संस्कारों की रक्षा एवं मानव सेवा ही माधव सेवा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नगर की प्रमुख संस्था श्री शिव शक्ति सेवा मंडल करीब 3 दशकों से अपने धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों को लगातार गतिशील बनाए हुए हैं। इन्हीं कार्यक्रमों में जहां प्राचीन एवं ऐतिहासिक श्री दुखवंजन महादेव मंदिर में वर्षों से सावन माह में कांवड़ शिविरों की श्रृंखला में इस वर्ष भी कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए एवं सरकार द्वारा निर्देशित नियमों की पालना करते हुए सावन जलाभिषेक के साथ कोरोना से बचाव के लिए विशाल वैक्सीन टीकाकरण शिविर का भी आयोजन किया गया। श्री शिव शक्ति सेवा मंडल के चेयरमैन एम के मोदगिल ने बताया कि रविवार को सावन अमावस्या पर श्री दुखवंजन महादेव मंदिर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रधान दर्शनपुरी एसके भंडागर, मनोहर लाल खुंगर, शशि कपूर, सुमित मित्तल, तिलक राज, मेहर चंद मुखी, कुलवंत सिंह भट्टी, संदीप मरवा, सुनील ठाकुर, दीपक मेहता, पंकज गाबा इत्यादि भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में पहुंचने वाले सभी श्रद्धालु कोविड-19 नियमों की गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालना कर रहे हैं। ऋषि शक्ति सेवा मंडल से जुड़ा हुआ हूं जी। इस समय मैं महासचिव के कार्य पद पर कार्यरत हूं। ये जो मंडल है, ये शिव शक्ति सेवा मंडल हमेशा ही सामाजिक और धार्मिक कार्यों में कई सालों से निरंतर अपने सेवाएं देता आ रहा है। हमारे सारे जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही जुझारू कर्मठ और एक ही आवाज़ पर सब इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसका फॉलो करते हुए, जैसे अब कोरोना वैश्विक महामारी है, इसको देखते हुए जितने भी गवर्नमेंट द्वारा SOP इशू किए गए हैं, हमने उनका रुद्राभिषेक किया और कोरोना का कैंप लगाया 7 तारीख को, जिसमें हमने कम से कम 244 बंदों का टीकाकरण किया और नगर वासियों के सहयोग से हमने ये जो श्रावण मास शिव शंकर भोले का पवित्र मास है, हमने पूरा ये जो पूर्णिमा से लेकर आज तक जो है ये हमने अपने ये मंडल में इनकी सारी अपना एक नगर कीर्तन भी कराया और शाम को जैसे जल भी मंडल मेंबर जल चढ़ाते हैं उनके लिए पूरा इंतजाम किया और आज हमने नगरवासियों के लिए भंडारे का आयोजन किया है और हम आगे भी नगरवासियों से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हमें बढ़ चढ़ के सहयोग दें ताकि हम इस तरह के कार्य आगे भी करते रहें। मैं डॉक्टर MK मोदगिल, चेयरमैन शिव शक्ति सेवा मंडल, और मेरी सारे शिव शक्ति सेवा मंडल की तरफ से सबसे पहले सभी शहरवासियों को नमस्कार और सावन के मास की बधाई। आज अमावस के दिन भी, और ये कहूँगा कि जब ये शिव शक्ति सेवा मंडल का 1992 में गठन हुआ तब से हम हर वर्ष सावन में कांवड़ सेवा शिविर लगाते हैं और उस संदर्भ में ये है कि हर वर्ष गुरु पूर्णिमा से शुरू करके और त्रयोदशी का जल चढ़ने के बाद फिर हम ये भंडारा करते हैं। उसी प्रथा को कायम रखते हुए आज शिव शक्ति सेवा मंडल ने पुनः भंडारे का आयोजन किया और सुबह नगरवासियों को आमंत्रित किया, इसलिए कि ताकि हमारे शहर में सुख समृद्धि बनी रहे और कोरोना से इस देश का नहीं, इस पूरे विश्व का कल्याण हो और उससे मुक्ति मिले। और मैं इसके आगे ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये शिव शक्ति सेवा मंडल है, ये जन जन के कल्याण की बात करता है और जन जन के कल्याण में हम ये मानते हैं कि हम कहते हैं, हमारी एक ही प्रार्थना है, हे भगवान, सबको सुखी जीवन देना, सबको दो वक्त की इज्जत की रोटी देना, इसमें सब में हम भी आ जाते हैं और भोले शंकर हम सब पे कृपा बना के रखें, राष्ट्र में उन्नति हो, सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यही हमारी आस्था है।